नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीएचडी एंट्रेंस रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एच एन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस होने जा रहा है उसके आ, रिगार्डिंग सारी जानकारी लेकर आई हूँ तो आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो इसमें सब्जेक्ट होंगे फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी रूरल टेक्नोलॉजी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस के अंदर आएगा दूसरा स्कूल ऑफ साइंस के अंदर आया जाएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होम साइंस फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अगला है स्कूल ऑफ कॉमर्स के अंदर कॉमर्स आएगा स्कूल ऑफ अर्थ साइंस के अंदर डिफेंस एंड स्ट्रेटिक स्टडीज़ जोग्राफी एंड जियोलॉजी आएगा नेक्स्ट है स्कूल ऑफ एजुकेशन इसमें एजुकेशन योजिक साइंस और फिजिकल एजुकेशन आएगा नेक्स्ट है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो इसके अंतर्गत आपका कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर आएगा स्कूल ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेजेस के अंदर आपका ड्रॉइंग आएगा ड्रॉइंग एंड पेंटिंग इंग्लिश हिंदी संस्कृत सेंटर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन नेक्स्ट है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इसके अंदर आपके पास इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी सोशोलॉजी सोशल वर्क एंथ्रोपोलॉजी और आर्क्योलॉजी आएगा नेक्स्ट है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस इसके अंतर्गत बायो केमिस्ट्री बायो टेक्नोलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी साइंस हिमालयन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी जुलॉजी नेक्स्ट है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इसके अंतर्गत बिजनेस मैनेजमेंट और टूरिज्म आएगा नेक्स्ट है स्कूल ऑफ़ लॉ इसके अंदर लॉ आएगा नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए या उसको उसके फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसमें मिनिमम मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए आपके एम एम एस सी में पी जी में इसके साथ ही एस सी एस टी ओ बी सी के लिए फिफ्टी परसेंट होना अनिवार्य है नेक्स्ट है कैंडिडेट हुज फाइनल रिजल्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री फॉर पी एच डी प्रोग्राम इज नॉट डिक्लेयर ऑन और बिफ़ोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ पी एच डी एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन पी एच डी प्रोग्राम तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए जिनका रिजल्ट नहीं आया है जो अपेयरिंग में है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पीएचडी नोटिफिकेशन से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस डेट से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए आगे देख लेते हैं कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन-कौन आएंगे जिसके पास जारफ नेट जारफ गेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं और इसके साथ ही रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इसके साथ टीचर फेलो अंडर यूजीसी स्कीम और नेट जारफ गेट क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं उनको एंट्रेंस नहीं देना है लेकिन उनको फॉर्म फिल करना है विद फी के साथ पूरा फॉर्म फिल करना है आप लोगों को और जो एग्जामिटेड नहीं है उनको फॉर्म फिल करके एंट्रेंस टेस्ट देना है इसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो इसके आगे क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा तो क्वेश्चन पेपर सौ मार्क्स का आएगा जिसमें सेक्शन वन और सेक्शन टू होंगे सेक्शन वन में फिफ्टी परसेंट फिफ्टी मार्क्स होंगे जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी आपके पास पचास नंबर की और सेकंड जो आपके पास सेक्शन होगा उसमें आपका पूरा सब्जेक्ट आएगा जो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो सिलेबस है आपका उसी से पूछा जाएगा और इसमें 100 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपको लाने हैं और जो अदर कैटेगरी वाले हैं जैसे एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी वालों के लिए 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आगे देख लेते हैं इंटरव्यू इंटरव्यू आपको पता ही है अगर आपके 50 परसेंट मार्क्स आते हैं जनरल कैटेगरी में तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं और अगर जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 45 परसेंट है इसके बाद ही आप इंटरव्यू इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू में आपका प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल ले जाना अनिवार्य है जो भी आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं इसके साथ ही देख लेते हैं कि फी कितनी है तो जनरल ओ और ईडब्ल्यू के लिए सात रुपये है फॉर्म फी और एस सी एस टी डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट के लिए तीन सौ पचास रुपये फी है फॉर्म की फी तीन सौ पचास रुपये है नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग डेट आपको पता ही है आपको बता दी गई थी कि तेईस फरवरी से लेकिन तेईस फरवरी को आया नहीं तो चौबीस या पच्चीस फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन चौदह मार्च दो हजार चौबीस करेक्शन विंडो ओपन होगी पंद्रह से सत्रह मार्च तक एडमिट कार्ड आपके 25 मार्च को आएंगे और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 31 मार्च को होगा 31 मार्च 2024 इसके साथ सेंटर्स हैं आपके श्रीनगर गढ़वाल और उसका कोड है जीरो वन बादशाई थॉल टिहरी जीरो टू देहरादून जीरो थ्री न्यू डेली जीरो फोर तो आपके चार सेंटर हैं श्रीनगर बासाई थॉल टिहरी देहरादून और न्यू डेली आगे बात कर लेते हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना ताकि आप फॉर्म ठीक से फिल कर सकें इसमें जो सबसे पहले मीडियम की बात देख लेते हैं तो जो एग्ज़ाम का मीडियम होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा लेकिन कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर दोनों लैंग्वेज में है और जो जो सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा वो सब्जेक्ट है स्कूल ऑफ साइंसेस एक्सक्लूडिंग होम साइंस लाइफ साइंस एग्रीकल्चर एंड लाइट साइंस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ अर्थ साइंस इसके साथ ही जोग्राफी डिफेंस स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल स्टडीज तो इसमें आपका इंग्लिश में पेपर आएगा और जो अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको छोड़कर उसमें बायोलैंग है एच एन बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एम फिल किया है वो भी एग्जेप्ट इस पेपर के लिए लेकिन उनको फॉर्म फिल करना अनिवार्य होगा और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन या फॉर्म फिल करने के बाद कुछ भी आपको पोस्ट नहीं करना है कोई भी डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना है यूनिवर्सिटी को और इसके साथ ही ई मेल वैलिड ईमेल आईडी आप डालें ताकि उस ईमेल आईडी पे आगे की प्रोसेस जैसे कम्युनिकेशन आप अगर यूनिवर्सिटी को आपसे करना है तो आप वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप याद रखें क्योंकि फ्यूचर में एडमिट कार्ड और रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब उसी में आपके आएगी और इसमें क्लियरली मैंशन किया गया है कि सीट रिड्यूस की जा सकती है यानी घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है वो यूनिवर्सिटी का फैसला होगा अब देख लेते हैं कि सीट्स कितनी है किस सब्जेक्ट में तो यहाँ पर फॉरेस्ट्री में है छह सीट प्लांट फिजियोलॉजी में है चार सीट हॉर्टिकल्चर में है तीन सीट रूरल टेक्नोलॉजी में है तीन सीट सीट साइंस में चार सीट ड्राइंग पेंटिंग में दो सीट सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एक सीट इंग्लिश में नौ सीट हिंदी में सात सीट संस्कृत में छः सीट कॉमर्स में नौ सीट और डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज में चार सीट है जियोलॉजी में पाँच सीट है ज्योग्राफी में सात सीट है एजुकेशन में नौ सीट है योजिक साइंस में पाँच सीट है फिजिकल एजुकेशन में चार सीट है फिजिकल कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में आपकी आठ सीट है इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक सीट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एक सीट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक सीट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दो सीट हैं एंथ्रोपोलॉजी में तीन सीट हैं इकोनॉमिक्स में छः सीट हैं हिस्ट्री में छः सीट हैं पॉलिटिकल साइंस में दो सीट हैं साइकोलॉजी में एक सीट है सोशोलॉजी में चार सीट हैं सोशल वर्क में दो सीट हैं आर्कियोलॉजी में तीन सीट हैं और लॉ में चार सीट हैं बॉटनी में चार इन्वायरमेंट साइंस में दो जुलॉजी में चार माइक्रोबायोलॉजी में दो बायोटेक्नोलॉजी में चार बायोकेमिस्ट्री में दो हिमालयन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में एक बिजनेस मैनेजमेंट में दो और टूरिज्म में आठ केमिस्ट्री में नौ होम साइंस में चार मैथमेटिक्स में पाँच फ़िजिक्स में आठ फार्मास्यूटिकल साइंस में नौ और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक सीट है टोटल वन नाइन्टी सेवन सीट है इसके आगे बात कर लेते हैं एफिलेटेड कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट हैं तो ड्राइंग पेंटिंग में पाँच सीट एफिलेटेड कॉलेजेस में अवेलेबल है और इंग्लिश में सात सीट हिंदी में चार सीट संस्कृत में सात सीट जियोलॉजी में चार सीट ज्योग्राफी में आठ सीट इकोनॉमिक्स में छः सीट साइकोलॉजी में तीन सीट सोशियोलॉजी में चार सीट ज्यूलॉजी में तीन सीट केमिस्ट्री में पाँच सीट मैथमेटिक्स में चार और फिजिक्स में दो सीट टोटल सिक्सटी टू है एफिलेटेड कॉलेज में नेक्स्ट है नेक्स्ट देख लेते हैं एलोकेशन ऑफ़ एडिशनल सीट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर जे और टीचर फेलो तो जो जे और टीचर फेलो की सीट्स हैं वो है फॉरेस्ट्री में चार प्लांट फिजियोलॉजी में दो हॉर्टिकल्चर में तीन सीट साइंस में दो ड्राइंग पेंटिंग में दो इंग्लिश में पाँच हिंदी में तीन संस्कृत में दो कॉमर्स में पाँच डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में दो जियोलॉजी में तीन जोग्राफी में पाँच एजुकेशन में पाँच योजिक साइंस में एक फिजिकल एजुकेशन में दो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में पाँच एंथ्रोपोलॉजी में दो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स में तीन हिस्ट्री में तीन पॉलिटिकल साइंस में दो फिजियोलॉजी में दो सोशोलॉजी में दो सोशल वर्क में एक आर्क्योलॉजी में दो लॉ में तीन बॉटनी में दो इन्वायरमेंट साइंस में एक जोलॉजी में दो माइक्रोबायोलॉजी में एक बायोटेक्नोलॉजी में दो हैं बायो में दो बिजनेस मैनेजमेंट में दो टूरिज्म में दो केमिस्ट्री में पाँच होम साइंस में दो मैथमेटिक में दो फिजिक्स में पाँच फार्मास्यूटिकल साइंस में पाँच और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक तो एक सौ पाँच टोटल सीट है तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे हेल्पलाइन दी गई है तो एंट्रेंस एग्जाम सेल नंबर जीरो वन थ्री फोर सिक्स टू नाइन सेवन टू थ्री टू तो यहाँ पे नंबर भी दे रखा है और यहाँ पे ईमेल आई डी भी दी हुई है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ई सेल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम यहाँ पे ई मेल आई डी दी हुई है तो आप इस ई मेल पर मेल कर सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके थैंक यू सो मच